दोस्तों, अगर आप इस कहानी को पूरा ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे। तो चलिए कहानी आपको बताते हैं। एक फकीर देश में यात्रा के लिए निकला। रास्ते में जब चलते चलते रात हो गई तो वह एक व्यक्ति के घर में जाकर रुका। उसका नाम आनंद था। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद फकीर को उपहार देकर विदा किया। फकीर आनंद की सेवा से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसे दुआएं देने लगा। भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता रहे। फकीर की बात सुनकर आनंद हंसने लगा और बोला, जो भी है यह भी नहीं रहेगा। फकीर आनंद की तरफ देखता रह गया और वहाँ से चला गया। कुछ सालों बाद फकीर फिर से आनंद के घर आया और देखा कि उसका सारा धन, सारी संपत्ति, सब कुछ खत्म हो गया है। पता चला कि वह अब गांव के किसी बड़े जमींदार के घर नौकरी करता है। वह फकीर आनंद से मिलने गया और आनंद के धन के अभाव में भी फकीर का स्वागत किया। झोपड़ी में भट्टी चटाई पर उसे बिठाया और जो उसके पास सूखी रोटी रखी थी वह उसे खाने को दे दी। और दूसरे दिन जाते समय फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया। आनंद फिर हंसा और कहने लगा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है। ईश्वर हमें जैसा भी रखे हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला। फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तू है आनंद। कुछ वर्षों बाद फकीर फिर से एक यात्रा पर निकला और जब आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि अब तो आनंद जमींदारों का भी जमींदार बन गया है। उसे मालूम हुआ कि जो जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था उसकी कोई संतान ही नहीं थी। मरते समय उस जमींदार ने अपनी पूरी संपत्ति आनंद के नाम कर दी थी। फकीर बहुत खुश हो गया था। उसने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया। भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। आनंद फिर से हंसा और कहा, फकीर अभी भी तेरी नदानी बनी हुई है। फकीर ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला। आनंद ने कहा, हाँ, या तो यह चला जाएगा या तो इसको अपना मानने वाला चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी हमेशा रहने वाला है ही नहीं, और अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारे मन की शांति, सुकून। और बाकी जो भी कुछ है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ समय बाद फकीर उस गांव से गुजरा। उसने देखा वहाँ आनंद का महल तो है, लेकिन उसमें आनंद नहीं है। उसमें पक्षी रह रहे हैं, क्योंकि आनंद अब इस दुनिया में नहीं था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर सोचता है कि इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता भागता है और रोता है, दुखी होता रहता है, जिन चीज़ों के लिए इतना तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज़ें हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वह सारी चीज़ें बदलने वाली है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आए, मुश्किलें आए, तकलीफ आए, तो हमें यह सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले जो मुश्किलें आई, क्या वह रुकी, क्या वह हमेशा के लिए थी, क्या वह मुश्किल हमेशा के लिए नहीं थी। वैसे यह मुश्किल भी आकर चली जाएगी, यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।